हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अलवी जी हैं। सर, जिस तरीके से गुजरात में राहुल जी को बीजेपी वालों ने ऐड में पप्पू कहा है और निर्वाचन आयोग ने उसको बैन कर दिया गया है, ये राजनीति कहाँ जा रही है? देखिए, ये सवाल हमसे पूछने की बजाय अगर बीजेपी के नेताओं से पूछें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गाली भी दी जा सकती है, सिर्फ यहीं तक क्यों हद छोड़ते हो? क्या इसी तरीके की राजनीति से वोट पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्या हम कभी ऐसा कोई लफ्ज़ बोलते हैं जो जिससे उनका अपमान होता हो? ऐसा नहीं है कि हमारे पास डिक्शनरी नहीं है या उस डिक्शनरी के अंदर अल्फाज नहीं है। राजनीति की तरीके से राजनीति करनी चाहिए, दुश्मनी जमकर करो, बस इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी फिर दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना। सर, गुजरात में जिस तरीके से एक बार फिर सीडी कांड चर्चा में है, हार्दिक पटेल का सीडी आया है और हार्दिक ने कहा है कि सीडी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको कैसे देखते? भारतीय जनता पार्टी का ये कैरेक्टर है, जब चुनाव आता है इसी तरीके के मुद्दे उठाते हैं। मेरा उनसे मशवरा है, अगर आप काम करें, विकास करें, जनता की समस्याओं का समाधान करें तो ना सीडी की ज़रूरत पड़ेगी ना पोलराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी के जो टॉप लीडर है वो राहुल गांधी पे सीधा सीधा अटैक कर रहे हैं? क्या उनको डर है कि राहुल जी गुजरात में इस बार कुछ चमत्कार कर देंगे? गुजरात के अंदर जितना रेस्पॉन्स राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को वहाँ की जनता दे रही है और इन लोगों को नकार रही है, उससे बीजेपी के नेताओं में बौखलाहट फैल गई है और उसी का ये नतीजा है। ये थे राशिद अलवी जी, जिन्होंने कहा कि बीजेपी में एक तरह से बौखलाहट है राहुल जी को लेकर। कैमरामैन रवि के साथ अमित गांधी, दिल्ली।